नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सिक्स्थ क्लास के साइंस की लेक्चर्स की वीडियो सीरीज शुरू की थी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो विद्यार्थी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो जनरल साइंस का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके लिए आपको जनरल साइंस की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो एनसीईआरटी की जो सिक्स से लेकर टेंथ तक की साइंस की बुक्स होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाती है, और रिवीजन करना किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो आपको हेल्पफुल रह सके। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से खाद्य सामग्री जो होती है वो कई तरह के संघटकों से बनी होती है, यानी हर खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं वो किसी न किसी कच्ची सामग्री से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे हम अगर कोई रोटी बनाएं तो हमें आटा और पानी की ज़रूरत होती है, अगर हम सब्ज़ी बनाएं तो हमें कच्ची सब्ज़ी, मसाले, नमक, पानी, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हर खाद्य सामग्री में कुछ ना कुछ खाद्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने देखा था। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि खाद्य सामग्री हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खाद्य सामग्री हम प्राप्त करते हैं कि एक तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है खेती का, और दूसरा स्रोत होता है हम जंतुओं से भी खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। तो जो भी हम खाना चीज़ें खाते हैं वो किसी न किसी कच्ची सामग्री से बनी हुई होती है, और कच्ची सामग्री हम के खेती से भी प्राप्त करते हैं और इसी और चीज़ों से भी प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास जो खाद्य सामग्री है इडली, तो हम उसमें जो कच्ची सामग्री इस्तेमाल लेते हैं वो चावल है, उड़द की दाल है, नमक है, जल है, और ये खाद्य सामग्री हम कच्ची सामग्री हम इडली बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। इसका जो स्रोत है दोस्तों वो पौधे, ये सब चीज़ें हमें पौधे से प्राप्त होती है। चावल भी हमें पौधे से प्राप्त होता है, उड़द की दाल भी पौधे से प्राप्त होती है, नमक भी पौधे से प्राप्त होता है, जल भी पौधे से प्राप्त होता है। तो जो स्रोत है इन कच्चे सामग्रियों का जिससे हम इनको प्राप्त करते हैं वो पौधा है। फिर चिकन हमारे पास है, चिकन जो होता है वो जंतु से प्राप्त होता है। मसाला हमें पौधों से प्राप्त होता है, तेल और घी भी पौधे से प्राप्त होता है, घी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है क्योंकि दूध से घी बनता है, जल जो होता है हमें नेचुरली मिलता है, उसका स्रोत हमें पौधा या जंतु नहीं है। खीर जो होती है हमारे पास, उसमें दूध, चावल और चीनी कच्ची सामग्री होती है, और उसमें दूध जो होता है हम जंतु से प्राप्त करते हैं और चावल जो होता है हम पौधों से प्राप्त करते हैं। अब हमने ये देखा कि इस टेबल से हमने क्या देखा कि विभिन्न पौधे के विभिन्न जो खाद्य संघटक होते हैं जैसे अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं, यानी हमें जंतुओं से तो दूध, मांस, अंडे और अन्य जानते उत्पाद प्राप्त होते हैं, और गाय, बकरी और भैंस से हमें दूध मिलता है, और उस दूध और जो दूध के उत्पाद हैं जो दूध से बनते हैं, जैसे दूध से घी बनता है, क्रीम बनती है, पनीर बनता है, दही बनता है, तो इसका उपयोग संसार के हर क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमें जो हम खाद्य सामग्री यूज़ लेते हैं, जो खाते हैं, वो विभिन्न कच्ची सामग्रियों से बनी हुई होती है। कच्ची सामग्री जो हमें मूलतः प्राप्त होती है वो पौधों से प्राप्त होती है या फिर हमें किसी जंतु से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भोजन के रूप में पौधे के भाग कौन कौन से हैं, और जंतु उत्पाद जो जंतु से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं कौन कौन सी हैं। तो आप इस वीडियो सीरीज में बनाइए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।